आवाज है? आदि हम आ रहे हैं। के अंदर इतनी ममता, ये किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं कर सकती। खान, मुझे लगता है ये अपराधी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमको भी यही लग रहा है। पापा, ये क्या तरीका है? आप हमको कमरा में बंद करके और हमारा फोन लेके क्यों चले गए? कहा है कि हम नहीं चाहते कि तुम वो चपरासी का बौनी बेटी को बचाने का कोशिश करो। इतने भी बेरहम नहीं हो सकते हम। अनमोल को हमने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो दोस्त तो है ना हमारी, और एक दोस्त होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें, और इंसानियत भी यही कहता है। अब लाइए हमारा फोन दीजिए पापा, हमारा फोन दीजिए। कहीं अनमोल के बारे में तो नहीं इंस्पेक्टर साहब? हेलो, क्या आदि ने हमें बताया किस तरह अपने अपनी जान पर खेलकर उस खुखार भेड़िए से इसे बचाया है? हम पुलिस विभाग से बात करेंगे कि आपको पुरस्कार मिले। अनमोल जी, आपने जो किया है वो बड़े बड़े लोग भी करने की हिम्मत नहीं करते। इसे एक बात तो साफ हो गया कि आप अपराधी नहीं हो। अनमोल, अनमोल, हमको इंस्पेक्टर साहब ने फोन पर ही सारा बात बताया। ऋषि, हमने कहा था ना हम बेगुनाह हैं, लेकिन हमारी बात मानने के लिए कोई रेडी ही नहीं था। लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आ रही कि सबका पीछे साजिश किसका है। लेकिन ये सबूत काफी नहीं है कि मम्मी जी और चाची जी ने ही आदि का अपहरण किया और उसे आदमखोर भेड़िए के साथ अकेला छोड़ दिया। हमने अपनी आंख से तो ऐसा देखा नहीं, तो कहना ठीक नहीं होगा। असली गुनहगार को तो हम ढूंढ ही लेंगे। ऋषि जी, आप अपनी पत्नी और बेटे को लेकर जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। एक और बात देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे बोलने का तो कोई हक नहीं है, लेकिन जिस तरह आदि ने बताया कि कैसे हौसले के साथ अनमोल ने इसकी जान बचाई, इसकी सगी मां भी होती तो ये नहीं कर पाती। सो अनमोल की कोख से अगर आदि जन्म नहीं लिया है, इस बुनियाद पे इससे सवाल मत खड़ा कीजिए और अपने परिवार को भी बता दीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब, चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू सही सलामत वापस आ गए। दीदी, इतना बड़ा चमत्कार हो कैसे गया? अनमोल, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस वो थोड़ा गला बैठ गया है।
भेड़िए को भगाने के लिए चिल्लाना पड़ा था ना, इसलिए। वो तो थाना में हम तुम्हारा आवाज सुनकर ही समझ गए थे, तभी तो हम रास्ते में रुक के ये दवाई ले लिए थे। ये लो, इसको दिन में 3 बार खाने के बाद ले लेना, ठीक है? मिस मत करना। मां, ये क्या कर रही हैं आप? अपना पुराना गलती दोहराने का जरूरत नहीं है। उसको दवाई का नहीं, कुटाई का जरूरत है। खबरदार। हम भी आपको चेतावनी देते हैं मम्मी जी, आप भी पहले वाली भूल मत दोहराइएगा। हमने आपका बहुत सहा, लेकिन हमेशा सहने वाले नहीं हैं। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो हमें मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ेगा। डायरेक्ट इंस्पेक्टर का नंबर ले लिए हैं हम। एक बार पूछो, बकरी जैसा मुंह है और कद्दू निगलने की बात करती है। हमारी दीदी शेरनी है, शेरनी। एक झपट्टा मारेगी ना कि गर्दन टूट के अलग हो जाएगा। क्या हुआ आदि? आदि नहीं, इट्स एडी। एनीवेज, आई रिमेम्बर्ड समथिंग। क्या? जिस सांता ने मुझे किडनैप किया था वो एक आदमी को पैसे दे रहा था, तब मैंने देखा था कि उसके हाथ में चाबियों का छल्ला था। गोल्डन कलर का, जिसपे लाइन से स्टोन्स लगे हुए थे। कौन हो सकता है? ये तो नहीं देखा था आदि? यस, यही था वो। सेंटा का बेस में अपना ही पोता का अपहरण किया था। रुकिए, जवाब दीजिए। आप ही आदि को भेड़िए के साथ मरने के लिए छोड़ी थी। जवाब दीजिए मां, क्या आपने किया ये सब? ऋषि, हमको किसी भी बात का जवाब देने का जरूरत नहीं है। जवाब देना होगा आपको, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। फिर सोचिए आपका क्या हाल होगा। नहीं अनमोल, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज, आखिर हमारी माँ है और आदि भी तो किसी माँ का बच्चा है। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, आप एक माँ होकर मासूम से बच्चे को भेड़िए के पास छोड़ दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती है माँ? अभी बॉनी हमारे ही घर में हमको सबका दुश्मन बनाएगी। तुम्हारा इतना हिम्मत?
बस मम्मी जी, बहुत हो गया। छोड़ दीजिए लोगों पर अत्याचार करना। हम अपने ऊपर सब अत्याचार सह लें, लेकिन आदि पर एक उंगली भी उठाई तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारा सास हैं। और आप भी ये भूल जाइए कि हमारा कद छोटा है तो हम आपका कोई अत्याचार सह लेंगे। आदि कौन है तुम्हारा? आखिर किस रिश्ते से इतना फड़फड़ा रही हो तुम? माँ है हम आदि की। और आज के बाद अगर आदि पर किसी ने भी हाथ उठाया तो हम उसका हाथ मरोड़ के उसी के हाथ में दे देंगे। और तुमने हमारा हाथ पकड़ा है बोनी, इसी हाथ से अगर तुम्हारा चिता ना जलाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हे भगवान, इस घर में महाभारत कब बंद होगा? एक दिन भी चैन से नहीं गुजर रहा इस घर में अब। अनमोल, देखो माँ ने आदि के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम आदि को लेकर अचानक कैसा रौद्र रूप अपना लियो? मान मर्यादा सब भूल गई हो। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा यह रौद्र रूप आगे क्या करवट लेगा। ये जो तुम कर रही हो ना, हमको उसका संकेत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। आप बस अपने आप को एक माँ के बेटे की जगह रखकर सोच रहे हैं। एक बार आदि का पिता बनकर सोचिए, आपको हमारा कोई बात गलत नहीं लगेगा। कहीं तुम खुद को आदि की माँ तो नहीं मानने लगी? हाँ है हम आदि का माँ। आज से इस घर में। और हमको लगा कि तुम माँ को रोकने के लिए ऐसा बोली थी। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे आदि तुमको एक कार्टून से ज्यादा कुछ नहीं समझता है, हंसता है तुमको देखकर, और तुम उसकी मां बनने चली हो। ये कैसी कराहने की आवाज है? ये तो घर के बाहर से आ रही है, कौन हो सकता है? लगता है कोई कुआं के अंदर है, आवाज तो वहीं से आ रहा था। हाँ? कौन हो सकता है? कोई दिख नहीं रहा है। लगता है हम दोनों की आहट सुन के चुप हो गया है। कोई तो था। लगता है कोई जानवर है जो घायल हो गया है, लेकिन अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। कोई है क्या? शायद चला गया होगा। चलो चलो अनमोल। रात भर खिड़की के बाहर किसी के कराहने की आवाज आ रहा था, सो ही नहीं पाए, रह रह के नींद उचट जा रहा था। हमने भी सुना। हाँ मम्मी, वैसा ही आवाज हमको रात में रुक रुक कर सुनाई दे रहा था। वैसा ही आवाज हमको भी आया था। लेकिन हमको लगा कि पड़ोस का कोई टीवी चल रहा है, उसका आवाज है। आप लोग सही कह रहे हैं,
हमने भी सुना था आवाज। हम और अनमोल तो बाहर देखने भी गए थे, लेकिन जब हम वहां गए तो आवाज बंद हो गया था। हम पूछे भी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो हमको लगा कि कोई जानवर होगा। अभी का नया झमेला है? कौन हो सकता है? अरे आपके घर के बच्चे का खेलते हुए पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। जल्दी चलिए आप लोग, जल्दी। आदि, ये क्या कर रही हैं माँ आप? हम आदि को ऐसे कैसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं? हमको उसको बचाने दो माँ, छोड़िए माँ। ऋषि, तुम्हारे नाजायज औलाद के चक्कर में हम अपने बेटे का बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। तुमको कुछ हो गया तो हम आदि को कुछ नहीं होने देंगे। नाजायज औलाद और वो बौनी, दोनों के दोनों राहु केतु हैं, डूब के मर जाने दो। तुमको छुटकारा मिल जाएगा इसी मुसीबत से। नहीं, हम लोगों नहीं करने देंगे। काटा वाली, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ काटा वाली, वो बौनी मरती है तो मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आदि तो ऋषि का खून है ना। छोड़िए मां। नहीं, जज्बात में आकर के दीदी कोई फैसला नहीं लेती है। अगर वो कोई फैसला ली है तो बिल्कुल सही ली है। हम तो कहते हैं कि दो चार पत्थर और डाल दीजिए इसमें। तुम चुप रहो सुरीली बहू। ऋषि जल्दी, हम ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। हाँ, हाँ, रुको। मम्मी छोड़ दीजिए भैया को, ना तो दोनों डूब जाएंगे। हाँ माँ, हमको भी उनसे छुटकारा चाहिए, लेकिन ये मर्डर होगा, ये अपराध है, हम सबको पाप लगेगा। हमको उसको बचाने दीजिए माँ, छोड़िए माँ। रस्सी पकड़ो जल्दी। अनमोल, रस्सी पकड़ो। हाँ ऋषि, मिल गया रस्सी। कस के पकड़ो, आदि को बांधो। हाँ हम खींच रहे हैं, पूरा मजबूती से पकड़े रहो। खींचो। पानी भर गया होगा, पहले पानी निकालो। चलो वहां लिटाओ। सांस लो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अभी बच गया। भगवान का नहीं दादी,
अनमोल का शुक्रिया कीजिए। अनमोल, अब तुम रस्सी को कसकर पकड़ो, मैं यहां से खींचता हूं। अनमोल, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अनमोल कहां हो? जवाब दो। दी, मुबारक हो, लगता है कि बोनी डूब के मर गई। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.